Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 7 का जो टॉपिक पढ़ना है वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और उसके अलावा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में आज हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। पहले है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास वो सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, ये सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं आप, इन्हें स्पीशीज भी कह सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस या स्पीशीज जो कि ऑक्सीडाइज करती है अदर सब्सटेंसेस को, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अपनी ही क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो बाय डोनेट, मतलब कि अगर दूसरों की ऑक्सीडेशन हो रही है तो अपनी रिडक्शन करेगा बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, यानी उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा और खुद क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ये जो नेम है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरों के साथ क्या कर रहा है उसकी बेस पे है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी जितनी भी हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो अपने रिडक्शन करती हैं जबकि दूसरों की क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो दूसरों की रिडक्शन करेंगे और खुद क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। द स्पीशीज that reduces other substances by donating electron, अपने इलेक्ट्रॉन उसे क्या करेगा, ये डोनेट करेगा by donating electrons to it, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर रहा है, दूसरों को डोनेट कर रहा है, खुद की ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरों की रिडक्शन। अब क्योंकि ये दूसरों की रिडक्शन कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसकी एग्जांपल के तौर पे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी क्या हैं मेटल्स हैं वो क्या है, तमाम रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा फिर से इसे देख लें, रेडॉक्स रिएक्शन। इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एक ही वक्त में हो रही हैं, ठीक है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली,
ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली का मतलब है कि एक ही वक्त में हो रहे हैं, जब ऑक्सीडेशन हो रही है तभी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो इसमें जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी जिंक और कॉपर आयंस की, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, जिंक आयन बनेगा Zn 2+ और कॉपर मेटल बन जाएगी। अब यहाँ देखें, यहाँ पर कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जीरो था, इसने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया, तो यानी इसकी क्या हुई, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई। और इसने देखें +2 चार्ज इसके ऊपर था और यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसने क्या की है, रिडक्शन की है। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की बात करें तो इसने इसको रिड्यूस किया, तो यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसने इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अच्छा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डूबे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सेल बनाता हूँ, ये एक मैंने आपके सामने बना दिया सेल, ठीक है। इसमें मैंने रखा है एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या डुबोए, दो इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये क्या है, बैटरी, ठीक है। मैंने क्या किया, ये एक सेल था मेरे पास, इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड क्या हैं, मैंने डिप किए हुए हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये मेरे पास एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का होता है, इसकी टाइप्स देखें, ठीक है। कितनी टाइप्स हैं इसकी, दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा मेरे पास कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम है वोल्टिक सेल। ये वोल्टिक सेल का नाम जो इसे दिया गया है, ये इसके साइंटिस्ट के बेस पे है, ठीक है, जिसने इस पे वर्क किया है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज़ किया है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये वो सब्सटेंस है जो कि आयोनाइज होता है, प्रोड्यूस करता है आयंस और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की इजाज़त देता है, यानी अलाउज द टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ठीक है। सबसे पहले द सब्सटेंस विच आयोनाइजेस, या आप इसे डिसोसिएट कह लें, विच डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस, टू कंडक्ट या टू अलाउ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं, जैसे NaOH है, ठीक है, ये हमारे पास एक
इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़नी है कि ये इलेक्ट्रोलाइट कितनी तरह का होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कितनी तरह का होता है, तीन तरह का है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कम्प्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच फॉर्म्स इन आयंस कम्प्लीटली या विच डिसोसिएट इन टू देयर आयंस कम्प्लीटली। ठीक है, द सब्सटेंस विच डिसोसिएट to form या completely, dissociate completely to produce ions, यानी ये मुकम्मल तौर पर अपने ions में convert हो जाएगा। ठीक है, और allow करेगा and to allow the conduction of electricity। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास NaCl है, हमारे पास H2SO4 है, हमारे पास NaOH है। तो मैं NaCl की एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जब NaCl जो है, ठीक है, जब NaCl डिसोसिएट होता है तो इसके आयंस Na और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनते हैं, और ये कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये आयंस बनाते हैं लेकिन बहुत ही कम बनाते हैं। ठीक है, यानी ये वो हैं विच डज नॉट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस मोर आयंस, यानी ये ज़्यादा आयंस नहीं बनाते। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है ये एक एसिटिक एसिड जो है, इसे हम सिरका भी कहते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, ये बहुत कम आयंस बनाता है। इसके जो आयंस बनते हैं वो कुछ यूँ बनते हैं, CH3COOH नेगेटिव और साथ में बनता है H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये आयंस कम बनते हैं इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट हमारे पास जो है इसकी टाइप वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की, अच्छा जी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब है, जो कि बिल्कुल भी आयंस नहीं बनाते। ठीक है, विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी आयन, ये बिल्कुल भी आयन नहीं बनाता। इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा वुड, या आप शुगर सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप शुगर सॉल्यूशन के इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं।
ठीक है। ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो और फिर हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो क्या है और वो कितनी तरह का है। वो तीन तरह का है, जो बहुत ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कम करेगा वो वीक है, और जो बिल्कुल नहीं करेगा वो क्या है, हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मोर अपडेट्स से अपडेट के लिए रहने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।